नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। देश और दुनिया में शांति और अहिंसा को लेकर जागरूकता फैलाने को लेकर जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 2 अप्रैल को यमुना एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स पूर्वी दिल्ली में अहिंसा रन मैराथन का आयोजन किया गया। यमुना एक्सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गेट नंबर 4 से आयोजित होने वाली इस अहिंसा रन मैराथन की शुरुआत सुबह 6:30 बजे हुई, जिसमें देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जीतों का लक्ष्य इस अहिंसा रन मैराथन को विश्व स्तर पर शांति, सौहार्द और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए अलग पहचान दिलाने का है। इस कार्यक्रम में कई जानी मानी राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक व दूसरे क्षेत्र की हस्तियों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के लोकसभा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल, विधायक ओम प्रकाश शर्मा, प्रसिद्ध समाजसेवी जितेंद्र सिंह शंटी और दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त IPS संजय सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित होने वाली इस अहिंसा रन के आयोजन और इसके प्रतिभागी बनने वाले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बधाई संदेश भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इच्छा जताई कि अमृतकाल के दौरान यह अहिंसा रन हमारी सोसाइटी के भविष्य के मार्ग और लक्ष्य को जीवंत, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मददगार होगा। उन्होंने इच्छा जताई कि अहिंसा और फिटनेस दोनों के लिए अहिंसा रन लोगों को प्रोत्साहित करने वाला होगा। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आज पूरे विश्व को भगवान महावीर स्वामी जी के सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म पर चलने की आवश्यकता है। जीतों की जितनी सराहना की जाए कम है। उन्होंने इस अहिंसा रन मैराथन की शुरुआत 22 देशों के अलावा देश में लगभग 65 सिटीज से की है। ईस्ट दिल्ली जीतो के उप प्रधान तरुण जैन ने बताया कि इस अहिंसा रन मैराथन में लगभग 2000 लोगों ने भाग लिया। महावीर जयंती के इस अवसर पर अहिंसा मैराथन पहली बार हुई और लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। दोस्तों, यह उत्साहवर्धक मैराथन पहली बार हुआ है और आपको कैसा लग रहा है, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।